नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश के ज्यादा आसार उत्तर छत्तीसगढ़ में है। नक्सल प्रभावित जिलों में 3,171 करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने LWA के तहत यह राशि स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत स्वीकृति कार्यों में सुकमा और बलरामपुर जिलों में 10-10, बीजापुर जिले में 9, कांकेर जिले में 5, सूरजपुर और दंतेवाड़ा जिले में 4-4, राजनांदगांव बस्तर और नारायणपुर जिले में 3-3, सरगुजा जिले में 2 और कोंडागांव जिले में 1 सड़क शामिल है। प्रदेश में सभी शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। अति आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी। मई महीने के सभी शनिवार और रविवार को अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इस दिन केवल सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित अन्य अति आवश्यक सेवाओं को जारी रखें। महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ आई कोरोना पॉजिटिव महिला को परिवार सहित किया गया क्वारंटाइन। दुर्ग जिले में नए कोरोना पॉजिटिव को रायपुर स्थित एम्स में रेफर किया गया है। कोरोना पॉजिटिव महिला महाराष्ट्र के भंडारा से दुर्ग पहुंची थी। महिला के परिवार को भी क्वारंटाइन किया गया है। रायपुर में सड़क पर फेंके गए 50-50 के 20-25 नोट, पुलिस ने सैनिटाइज कर किया जब्त। रायपुर के शंकर नगर इलाके में 50-50 रुपए के करीब 20-25 नोट फेंके गए थे। फिलहाल पुलिस ने सैनिटाइज कर सारे नोटों को जब्त कर लिया है। सोनिया गांधी ने पूछा सवाल, 17 मई के बाद क्या लॉकडाउन को लेकर कौन सा मापदंड अपना रही है सरकार। सोनिया गांधी ने कहा, 17 मई के बाद क्या, 17 मई के बाद कैसा होगा। भारत सरकार यह तय करने के लिए कौन सा मापदंड अपना रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। भारत में कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रक्रिया में फिलहाल 30 से अधिक भारतीय वैक्सीन विकास के अलग अलग चरणों में है और कुछ ट्रायल स्तर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर कोरोना से लड़ने के लिए चल रही तैयारियों को लेकर चर्चा की। सोनिया संग मीटिंग के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने खोला मोर्चा, केंद्र से मांगा आर्थिक पैकेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट के मद्देनजर प्लानिंग और आर्थिक पैकेज समेत कई मुद्दों पर केंद्र ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग उठाई। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में मारा गया हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू। बता दें कि हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू A++ कैटेगरी का आतंकी था। दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा के पंज गांव में नाइकू गांव का रहने वाला इस आतंकी पर 12 लाख का इनाम था। 2012 में आतंकी बना रियाज कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। कोहली ने कहा था यह साल सिर्फ T20 और टेस्ट का है। अब नेहरा बोले, वनडे में हार के बाद ऐसा बयान देना गलत। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा, मैं विराट कोहली की कप्तानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैंने उनकी कप्तानी से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन मेरा मानना है कि उनकी कप्तानी में अभी भी सुधार जरूरत है। कोरियोग्राफर सरोज खान की भावुक अपील। नमस्कार, मेरा नाम सरोज खान है और मैं तय दिल से अपने जितने डॉक्टर हैं, जितनी नर्सेस हैं, जितने पुलिसमैन हैं, जितने फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, उन सबको हम थैंक यू बोलते हैं कि आप हमारी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी इंडिया क्यों नहीं समझती है कि ये हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। कल आप बीमार पड़ेंगे तो आप सोचो आपके बच्चे बीमार पड़े, क्या उनसे उनकी जवानी, उनका बचपना छीन लेना चाहते हो? ऐसे माँ बाप को आप कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। वो क्या करते हैं डॉक्टर, अगर आपके पास आते हैं तो आपकी बचत के लिए। उन लोग अपनी जान खतरे में डाल के आते हैं। प्लीज प्लीज, भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, जीसस के वास्ते अपने आप की देखभाल करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।